Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the third topic of respiratory pathology, that is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. जैसा कि नाम से चल रहा है ये एक chronic disease है जिसमें pulmonary tract में obstruction आ जाता है, जो tracheobronchial tree है आपका respiratory tract का उसमें रुकावट आ जाती है. क्योंकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़, इसमें कोई एक बीमारी नहीं हो रही, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो रही है. जो आप सीक्वेंस से याद करिए तो आपको याद हो जाएगी. सबसे पहली है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एस्थमा, तीसरी एम्फिसेमा, चौथी ब्रोंकाइटासिस. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फिसेमा और ब्रोंकाइटासिस. अब इनको कैसे याद रखेंगे आप? ब्रोंकाइटिस के अंदर नैरोइंग हो जाती है, ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस याद करेंगे जब आप तो ब्रोंकाइटिस बाद एम्फिसेमा बोलिए, फिर एस्थेमा, सेकंड एम्फिसेमा, सॉरी ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, एस्थेमा और ब्रोंकाइटासिस. ब्रोंकाइटिस में नैरोइंग होएगी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर, एम्फिसेमा में डायलेशन, एस्थेमा में अगेन नैरोइंग, ब्रोंकाइटासिस में अगेन डायलेशन. तो नैरोइंग डायलेशन, नैरोइंग डायलेशन, इस तरह से ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में दिखाई दे रहा होता है. मतलब ये जो पूरा पाथवे है वो ऐसा हो जाएगा, कहीं पे नैरोइंग कहीं डायलेशन. तो इसका मतलब एयर वे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव बन चुका है, इसको COPD कहते हैं. और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है, इसकी ये और खासियत. अब इसके अंदर अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. अब दो फॉर्म्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ की देखने को मिल रही होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़. COPD की डेफिनेशन क्या है? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, कोल्ड जिसको कह रहे होते हैं. और ग्लोबल इनिशिएटिव है इसलिए जी से लिया गया, गोल्ड इसको कहा गया. ये डिजीज़ की स्टेट है जिसमें एयर फ्लो में लिमिटेशन हो जाती है और ये कभी पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं हो पाता. लिमिटेड एयर फ्लो मतलब वहाँ पर सही वो पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, लिमिटेशन आ जाती है और वो रिवर्सिबल यानी पूरी तरह से ठीक कभी भी नहीं हो पाएगा. अब इसमें टाइप्स ऑफ COPD में मैंने कहा सबसे पहले ब्रोंकाइटिस पढ़ना है, यहाँ पर एम्फिसेमा लिखा हो पर आप पहले ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे. ब्रोंकाइटिस क्या है? ये डिजीज़ है जिसमें डेली कफ आता है स्पटम के साथ में, और ऐसा साल में 3 महीने हो रहा होता है, 2 लगातार सालों में हो रहा होता है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. और कैसी कंडीशन है? इरिवर्सिबल, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते यानी ठीक नहीं होती. ये इसकी एक और डेफिनेशन मैं बोल करके बता रही हूँ, आप नोट डाउन करिए ब्रोंकाइटिस की. इट इज़ एन एक्सेसिव ट्रेकियोब्रोंकियल म्यूकस प्रोडक्शन सफिशिएंट टू कॉज कफ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 2 consecutive years. ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है. और इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन दिखाई देता है एयरवे में, जिससे क्या हो जाता है? एयरवे की नैरोइंग हो जाएगी और इस ये कभी भी पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं हो पाती, यानी ये इरिवर्सिबल कंडीशन. दूसरी एम्फिसेमा कंडीशन है जिसमें लंग में परमानेंट डायलेशन हो जाता है, डायलिटेशन. मैंने आपको कहा ना नैरोइंग डायलिटेशन, नैरोइंग डायलिटेशन, ऐसे याद करना है. तो पहली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस थी जिसमें नैरोइंग हो गई, एम्फिसेमा में डायलिटेशन, परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है किसका? एयर स्पेसेस का, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल से दूर एयर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि इनकी एयर स्पेसेस की जो वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए एयर स्पेस बेचारे परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे. वॉल ही टूट जाएगी तो उनमें फिर कॉन्स्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा. तो ये परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस है डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल से दूर जो एयर स्पेसेस है उसमें परमानेंट डायलेशन हो गया विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ दीज एयरवेज, क्योंकि इनकी एयरवेज की जो वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है. ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दिखाई गया, वो नॉर्मल ब्रोंकर, इसमें देखो इन्फ्लामेशन हो गया तो वो जो अंदर की ल्यूमन है वो नैरो दिखाई दे रही है. जबकि एम्फिसेमा के अंदर देखो ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से इलास्टिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, जो इलास्टिन कार्टिलेज वगैरह होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सिकुड़ती और फैलती है. जो एयर सैक्स हैं ये आपके अफेक्टेड एल्वियोलाई दिखाई हुई है कि परमानेंटली डायलेट हो चुके हैं, इलास्टिन का ख़त्म हो चुका है. ये नॉर्मल एल्वियोलाई है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट दोनों होती है. तो इसमें दो डिजीज़ के बारे में बताया गया है,
एपिडेमियोलॉजी वर्ल्ड वाइड सीओपीडी 6th मोस्ट कॉमन कॉज होती है डेथ का रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। एयरवे अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाता है जैसा एस्थमा में होता है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जैसे कुछ लोग मिट्टी धूल मिट्टी में काम कर रहे होते हैं खानों में काम कर रहे होते हैं उनके अंदर वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है या एयर पॉल्यूशन की वजह से या पैसिव स्मोकिंग सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो लोग कर रहे होते हैं कि खुद नहीं स्मोकिंग कर रहे पर स्मोकर्स के बीच में हमेशा रहते हैं वो पैसिव स्मोकिंग होती है या अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जिन लोगों में हो जाती है उनमें ऐसा देखा जाता है। अब पैथोलॉजी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की देखिए इरिटेटिव सबस्टांस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब एंटर हो जाते हैं तो उसे म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। म्यूकस ग्लैंड सीक्रेटिंग ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है और गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेसिया हो जाता है। गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होती है भाई जिससे कि म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो म्यूकस जो है पूरा पूरा एयरवे पर जमा हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा। म्यूकस कोट कर देता है एयरवे की वॉल को और ब्लॉक कर देता है। गॉबलेट सेल का साइज बढ़ जाता है और एयरवे ब्लॉक हो जाता है। एयरवे नैरो हो जाता है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी चेंजेस दिखाई देते हैं और सीलरी एक्शन जो है वहाँ पर रुक जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। एम्फिसिमा की पैथोलॉजी क्या है भाई स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलर मैक्रोफाज वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वहाँ रिलीज होने लगते हैं ल्यूकोसाइट्स जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी एंजाइम को रिलीज करते हैं दो तरह के एंजाइम्स आते हैं जो लंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन एंजाइम्स के एक्शन के रुकने की वजह से अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की आवश्यकता होती है ताकि इनका एंजाइम का एक्शन रुक सके नहीं तो ये लिवर टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर जो ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं स्मोक की वजह से वो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि टिश्यू डैमेज कंटिन्यू चलता रहता है और वॉल जो एल्वियोलाई की वो टूट जाती है जिससे उनमें डायलिटेशन हो जाएगा तो एयरवे की वॉल सब्सिक्वेंटली जो है वो वीक हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी एक्सपायरेशन के बाद जैसे आप सांस छोड़ेंगे वो चिपक जाएंगे। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि एल्वियोलर सेप्टा टूट जाता है बुल्ली बन जाती है वहाँ पे कैप एल्वियोलाई के चारों तरफ की जो कैपिलरीज होती है उनमें भी खिंचाव आ जाता है। ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको एरो एरो बना करके लिख दीजिए तो भी सफिशिएंट है ऐसे पॉइंट्स मत बनाइए फर्स्ट पॉइंट एरो सेकंड पॉइंट एरो ऐसे बनाते जाइए तो ये पैथोफिजियोलॉजी बन जाएगी। एम्फिसेमा जो है वो दो तरह का हो सकता है सेंट्री लॉब्यूलर जिसको अपन सेंट्राइसिनर कह रहे होते हैं और दूसरा है पेन लॉब्यूलर। सेंट्री लॉब्यूलर ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई ब्रोंकियोल को अफेक्ट करता है और एल्वियोलाई इसमें नॉर्मल रहती है और अपर जोन ज़्यादा इफेक्टेड रहता है वेंटिलेशन डिस्टर्ब्ड हो जाता है परफ्यूजन डिस्टर्ब्ड हो जाता है जबकि पेन लॉब्यूलर में दोनों ब्रोंकियल और एल्वियोलाई पर असर पड़ता है लोअर जोन इफेक्ट होता है वेंटिलेशन पर असर कम पड़ता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप पर। क्लिनिकली अगर आप देखेंगे तो एम्फिसेमा में पिंक पफर दिखाई देगा जनरल थिननेस पतला हो जाएगा आपका जो एयरवे है एनेक्सियस एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा होता है पर्सन का ब्रीदलेसनेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही होगी उसको एकदम सांस की कमी कमी महसूस होगी स्पटम या तो बहुत कम या फिर प्रोड्यूस होता नहीं एम्फिसिमा में कफ भी बहुत कम होता है या फिर होता नहीं पर ब्रोंकाइटिस में कफ भी होगा स्पटम म्यूकस सब कुछ होगा ब्लू ब्लॉटर दिखाई देगा ओबेसिटी दिखाई दे रही होती है एनेक्सियस एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता डिस्निया काफ़ी माइल्ड होता है चिपचिपा स्पटम जो इन्फेक्शन के साथ में दिखाई दे रहा होगा कफ कई सालों तक रहता है बस ठीक है ये वाले इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सीओपीडी। अब कार्पल मोनाइल एक डिजीज़ है वेंटिलेशन परफ्यूजन में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आते ही पल्मोनरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाता है रीनल हाइपोक्सिया और पॉलीसाइथीमिया एक साथ होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन से राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है किडनी में भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और पॉलीसाइथीमिया का मतलब सभी ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है जिससे कि फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। पॉजिटिव फाइंडिंग चेस्ट बैरल शेप की ढोलकी का सीना हो जाता है चेस्ट का मूवमेंट डिमिनिश कम चेस्ट मूव कर पाती है मीडिया स्टेनम सेंट्रल दिखाई देगा टैक्टाइल वोकल फ्रेमाइटिस जो है वो
मुंह का स्वाद वास सब बिगड़ जाता है, परक्यूजन सही नहीं चलता। परक्यूजन पे आप देखोगे तो रेजोनेंट नोट आपको दिखाई देगा, ब्रीद साउंड कम हो जाता है, एक्सपायरेशन लंबे लंबा चलता है और ऑस्कल्टेशन में सीटी जैसी आवाज़ आ रही होती है। पेशेंट को इवेलुएट करने के लिए आप स्पटम एग्जामिनेशन कर सकते हो, स्पायरोमेट्री कर सकते हो, ब्लड गैस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, एक्सरे करवा करके देख सकते हो। ट्रांसल्यूसेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, लो फ्लैट डायफ्राम दिखाई देगा, ट्यूबुलर हार्ट दिखाई देगा, हाइपरल्यूसेंट बुली दिखाई देगी और इंटरकोस्टल स्पेसेस आपको बड़े हुए दिखाई देंगे। कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, न्यूमोथॉरेक्स यानी प्लूरल कैविटी में हवा भर सकती है, एयर भर सकती है, इसको न्यूमोथॉरेक्स कहते हैं। कॉर्पल मोनाल तो अभी अपन ने पढ़ा ही है, और पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल सकता है COPD के अंदर। अब स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट में आपको म्यूकस सिक्रेशन बढ़ावा दिखाई देगा, एयरवे एबनॉर्मली और परमानेंटली एनलार्ज हो जाते हैं, एयरवे के वॉल काफ़ी मोटी हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल लंग का कम हो जाता है, इलास्टिक यानी ख़त्म हो जाती है, लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है, बुल्ली वहाँ पर बन जाता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकल जाएगी क्योंकि बहुत जोर देना पड़ रहा होता है सांस खींचने करने में, तो वो मसल जो होते बाहर निकल जाती हैं, तो बुली फॉर्मेशन दिखाई देगा। एसेसरी मसल्स वही ऐसे होने की वजह से कमज़ोर हो जाएगी बेचारी, शोल्डर एलिवेट हो जाते हैं, उठे हुए शोल्डर और चेस्ट जो है वो ढोल की जैसी बैल शेप्ड चेस्ट जो है वो दिखाई देगी। फंक्शनल इम्पेयरमेंट में वही ब्रीदलेसनेस दिखाई देगी, एक्सपेक्टोरेशन के साथ में कफ खंखार के साथ में खांसी आएगी, फटी बहुत जल्दी थक जाता है ऐसा पर्सन, एसेसरी मसल्स का उसको यूज़ करना पड़ता है और विग्रस एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है। बस इसके साथ में ही COPD ख़त्म, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।